मैं चंद्रसेन पटेल, अनुदेशक कला बाघा बिशंडापा। किस तरह की मांगों को लेकर आप यहाँ पर धरना देते हैं? हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारी ये बहनें 80-80, 90-90 किलोमीटर दूर स्थापित हैं। किसी की शादी इस जनपद में है तो किसी की अगले जनपद में है। इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगना है। इन सबको अंतर जनपदी और जनपदीय मांग नंबर एक। नंबर दो, सरकार के हर समय बढ़ते ये जो ऑनलाइन प्रकोप है, वो चाहे हाजिरी का हो या वीरांगना ऐप का हो या अन्य जो है ऑनलाइन गतिविधियां, जब तक हमको उचित समुचित मानदेय नहीं दिया जाता है तब तक हम इन मांगों का विरोध करते हैं। हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, हमको नियमित कर दिया जाए, सरकार की हर शर्त मानने के लिए तैयार। क्योंकि हम अगर 10 मिनट लेट होते हैं तो उसी भांति कटता है हमारा वेतन जैसे सरकारी का कटता है, चाहे लेट हो या 10 मिनट जल्दी विद्यालय से आए। अगर हमारी सारी फैसिलिटी, हमारी सारी जो फॉर्मेलिटी है विद्यालय परिवार पर शिक्षक की भांति है, तो हमारा वेतन क्यों नहीं शिक्षक की भांति? इसको भी हमारे शिक्षक के भांति में वेतन दिया जाना चाहिए। तीसरा, CCL, मातृत्व अवकाश, मेडिकल, ये सारी सुविधाएं भी सरकारी कर्मचारियों की तरह हम संविदा कर्मियों को प्रदान की जाए। आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तब आप क्या करेंगे? जी, ये हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। मैं लगातार 10 बार से अशोक लाट में बैठ रहा हूँ और सारे के सारे अनशनों में मेरी प्रतिभागिता मेरी फोटो पेपरों में होगी। मैं शासन से कहना चाहूंगा कि 12 दिन में अगर इन हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो हम पुनः लखनऊ में जो है रामलीला मैदान में डेरा डालेंगे। दोस्तों, जिस तरह का हम लोगों को मानदेय दिया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा हम लोगों से वर्क लिया जा रहा है और हम लोगों का आर्थिक मानसिक रूप से विद्यालय में भी शोषण हो रहा है और विद्यालय के बाहर भी हम लोगों को उसका शोषण किया जा रहा है। किस तरह का शोषण हम लोग का? देखिए, एक तो सबसे पहले मानदेय की बात आती है, जहाँ पर वर्क आपको गवर्नमेंट को लिया जाता है तो हम लोग उसे कहते हैं कि आप स्कूल आइए, आपका विद्यालय है, आपको पूरा काम करना पड़ेगा, जैसे टीचर करते हैं वैसे करेंगे। लेकिन जहाँ पर मानदेय की बात आती है, जहाँ पर हम लोगों के मान सम्मान की बात आती है, वहाँ पर ये कह दिया जाता है कि आप अनुदेशक हैं, आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है शिक्षक के लिए। ठीक है, और दूसरा हम लोगों के साथ ये देखिए, एक नया हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया कि आप जूडो कराटे का प्रशिक्षण लीजिए और बालिकाओं को सिखाइएगा। हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया, इसके बाद हम लोगों के साथ क्या कर दिया गया कि अपने आप हम लोगों को 13 से 14 विद्यालय आवंटित कर दिए गए। ये नहीं सोचा कि कौन किस विद्यालय में, कौन महिला किस तरह पहुंचेगी। हम लोगों का विद्यालय 8 किलोमीटर है, आपने एक पूर्व में दे दिया, एक पश्चिम में दे दिया, एक उत्तर में दे दिया, एक दक्षिण में दिया। हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग पास साधन नहीं है, हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं और 9000 में हम लोग अगर पूरा पैसा हम लोग किराए में लगा देंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? गवर्नमेंट चाहती है कि हम ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा उनका वातावरण बनाए, लेकिन जहाँ हमारे बच्चों की बारी होगी तो हम 9000 में उनको शिक्षा क्या देंगे? हम उनको कपड़े तक नहीं पहना सकते, हम उनको शिक्षा क्या दे देंगे, बताइए आप? 9000 में कोई कर सकता है? अगर हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो अधिकारी हैं, हम भी चाहेंगे कि हम सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट कहेगी कि आप भी सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए, हम पढ़ाएंगे। अगर अधिकारी भी हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने, हम लोगों को कहेंगे सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, हम लोगों को 9000 वेतन। और अधिकारियों के और जो हमारे नेताओं के बच्चे लोग विदेशों में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चों के लिए 9000 रुपए कैसे हम लोग खर्च चलाएंगे? खाना खाएं कि कपड़े पहने की बच्चों का हमारा क्या होगा? हम लोग 13 साल 10 से 12 साल बिता चुके हैं, हम आज भी उसी जहां से स्टार्टिंग हुई थी आज भी वहीं पर पड़े हैं। हम लोग एक कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता है, जहां हो वहां हम लोग को छोड़ दिया जाता है।